डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको नए वीडियो के अंदर खुश आमदीद कहता हूं। जैसा कि आप इस वक्त देख रहे होंगे कि मैं एक स्कूल के अंदर मौजूद हूं। ये एक स्कूल है जहां पर बच्चों को तालीम व तरबियत दी जाती है। ये हमारे मुलहिका सिटी से गांव है तेरा गजियानी, वहाँ पर इस स्कूल को बनाया गया जहाँ पर बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने डिसाइड किया कि इस एरिया की खसूसियत को देखते हुए कि यहाँ का पानी जो है वो बहुत ख़राब है, तो यहाँ पर इन बच्चों को सहूलियत देते हुए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएंगे। तो यहाँ के प्रिंसिपल साहब से बात की गई और जब उनके साथ बात हुई तो उन्होंने म्यूचुअल फ़ंड के ज़रिए यहाँ पर प्लांट लगाने के लिए इजाज़त दी। तो RO प्लांट रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के तहत चलने वाला प्लांट जो खारी पानी को आलूदा पानी को साफ़ करके मीठा करता है और उसको सेहत अफज़ा बनाता है। इसके पीने से बच्चे सेहतमंद रहते हैं और उनकी तालीमी सरगर्मियां जो हैं वो मुनासिब रहती हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस स्कूल के प्रिंसिपल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप अपना इसमें ग्रामी बताइएगा। मोहम्मद शाहर नज़ीर, प्रिंसिपल न्यू सर सैयद मिडिल स्कूल तेरा गजियानी चिश्तियां। बहुत मेहरबानी सर। सर, यहाँ का जो पानी है वो किस हिसाब का है? यहाँ का पानी गंदा तरीन पानी है जी। उससे पेट की बीमारियाँ, गुर्दे की पत्थरी और वगैरह वगैरह जो भी बीमारियाँ हैं, वो हेपेटाइटिस सी वगैरह और सारी बीमारियाँ जो हैं वो लाहक होती हैं इस पानी से। यहाँ पर पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है, जिसकी वजह से मैंने आपसे रब्ता किया और ये अब हम ये फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहे हैं बच्चों की बेहतरी के लिए। मेरे इस स्कूल के अंदर 300 बच्चा ज़ेर तालीम है। माशाल्लाह, 300 बच्चा ज़ेर तालीम। 300 बच्चा ज़ेर तालीम, वैसे मुकम्मल 600 बच्चा मेरे पास। एक कैंपस है मेरा, ये इस कैंपस में एक कैंपस है, मेन कैंपस मेरा। 300 बच्चा ज़ेर तालीम है और मैंने उनकी बेहतरी के लिए सोचते हुए हमने ये कदम उठाया। आपकी मेहरबानी है जिसकी वजह से हम ये। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल से हमें इनकम होती है, उस इनकम का इस्तेमाल जो है वो बच्चों की इस्लाह के लिए जो तुलबा है उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें से एक काम ये भी हम कर रहे हैं कि फ़िल्टर प्लांट लगा रहे हैं। तो प्रिंसिपल साहब ने अभी जैसे कि आपको बताया कि हम ये म्यूचुअल फ़ंड के ज़रिए वो भी डोनेट कर रहे हैं और मैं भी डोनेट कर रहा हूँ ताकि बच्चे जो हैं वो साफ़ सुथरा पानी पिएँ और उनकी सेहत को जो ख़तरात लाहिक हैं उनसे बचा जा सके। तो ये हमारे चैनल की जानिब से एक अच्छा स्टेप है, एक अच्छा कदम उठाया गया है। उम्मीद है कि आप लोग भी इस स्टेप को सराहेंगे और इन वीडियोस को शेयर करेंगे ताकि लोग इन वीडियोस को देखें और इसके व्यूज़ बढ़ें और इस चैनल की इनकम में इजाफ़ा हो। इसके साथ साथ प्रिंसिपल साहब के जो साथ ऑफिस की जगह बनाई है हमने, जहाँ पर ये प्लांट लगा रहे हैं वो भी मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। यहाँ पर ये कूलर रखा हुआ है, यहाँ पर इसको कनेक्शन दिया जाएगा, यहाँ से ठंडा होगा पानी। तो अंदर की जानिब हम यहाँ पर प्लांट लगा रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं। ये है हमने ताइवान का बना हुआ प्लांट जो है वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये हमने अभी इसको ओपन किया है और हमारे ही दोस्त हैं सईद गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब, जो कि फलाही कामों के अंदर बढ़ चढ़ कर हमेशा से हिस्सा लेते आ रहे हैं और अब तक उनका काम चल रहा है। अभी वो इसकी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। ये एक्वा फीना और एक्वा फ्लो के नाम से ही जी ये कंपनी है, उसका ये लगा रहे हैं प्लांट हम। तो इसके ये फ़िल्टर्स वगैरह भी लगाए हैं, ये भी इंस्टॉल करेंगे हम। और ये उसका ड्रम भी है जिसके अंदर ये पानी स्टोर होता है, साफ़ सुथरा पानी। ये आप सर निकाल दें बाहर, ये भी दिखा दें ज़रा। ये इसके ये एक पानी की यहाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा किल्लत है और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के अंदर फाजल मादों से भरे पानी है, गंदगी गलाजत जरासीम से भरे हुए खारी पानी के जो इधर ज़खायर हैं। लेकिन अगर हम इन पानी को इस्तेमाल में लाना चाहते तो हमें ये फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने होंगे। यहाँ के लोगों को हेपेटाइटिस सी से बचाना है तो इस तरह के प्लांट्स और भी लगाने होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर भी आप लोग देखेंगे कि हमने और भी प्लांट्स जो हैं वो लगवाने हैं, उनकी वीडियोस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये अभी इनके साथ ये टैंकी लगेगी, इस पानी को स्टोर करेगी जो साफ होने के बाद इसमें जमा होगा। तो ये अभी प्लांट लग रहा है तो सईद गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब इसकी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। तो अभी जब ये फ़िल्टर अभी तैयार हो जाएगा तो भी मैं इसको ऐड करता हूँ साथ में। इस फिल्ट्रेशन प्लांट से तकरीबन 300 तलबा जो है वो फ़ायदा उठाएँगे
اور یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، ایک اچھا کام ہے انسانیت کے لیے کہ ہم انسانیت کی فلاح کے لیے کام کریں اور لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی رحمت ہے، ہمارے لیے بہت بڑا مقام ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی اس کو جاری رکھیں گے۔ یہ جب مکمل ہو جائے گا تو بھی میں وہ ویڈیو اس کے اندر ایڈ کرتا ہوں۔ فرینڈز، جیسا کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلانٹ جو ہے وہ انسٹال ہو چکا ہے، اور اب اس کا پانی جو ہے وہ آپ کو پی کے دکھاتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ سے بہت میٹھا نکلا ہے، صاف ستھرا ہو گیا ہے۔ اب یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس کا کتنا فائدہ ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ 300 اسٹوڈنٹس اس پلانٹ سے اب مستفید ہوں گے روزانہ کی بنیاد پر۔ یہ ہمارے چینل کی طرف سے پہلا آر او پلانٹ جو آج نصب ہو گیا ہے، اور یہ سب کچھ آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کی خلوص نیت کی وجہ سے ممکن ہو سکا کہ آپ لوگوں نے اس چینل کو وزٹ کیا، ان کی ویڈیوز کو شیئر کیا، اس کی انکم میں اضافہ کیا، جس کی بدولت آج ہم اس قابل ہوئے کہ ایک فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ 300 بچوں کے لیے ہم نصب کرنے میں کامیابی ہوئے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اپنی محبت کو اسی طرح سے جاری و ساری رکھیں گے اور اپنا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ملاتے رہیں گے۔ تو آپ لوگوں سے پھر ایک بار گزارش ہے، اگر آپ کو میرا چینل پسند آتا ہے، آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں، تو ان کو ضرور ضرور شیئر کیجئے، اور یتیم بچوں اور طلباء کی ہیلپ کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ تو انشاءاللہ جی نیکسٹ ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ آئیں گے، نئی باتیں ہوں گی، نیا کام ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔